बड़ी खबर आ रही, पराली प्रबंधन और पराली जलाने को लेकर। पराली मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पंजाब सरकार को फटकार। हरियाणा सरकार ने पंजाब को घेरा। पराली मैनेजमेंट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया है। कोर्ट ने कहा है कि जो किसान पराली जला रहे हैं उन्हें कोई आर्थिक लाभ क्यों मिलना चाहिए। कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने में पंजाब सरकार के रवैये पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब हरियाणा कर सकता है तो पंजाब क्यों नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पराली से संबंधित वित्तीय प्रोत्साहन देने के तरीके के लिए पंजाब को हरियाणा से सीख लेने की नसीहत दी है। वहीं इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब सरकार को आड़े हाथों लेते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने पराली प्रबंधन पर न ध्यान दिया और न पर्याप्त कदम उठाए, जिसकी वजह से पराली के मामले बढ़ गए और वायु प्रदूषण बढ़ा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी अदालत का आभार व्यक्त करते हुए पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से साफ है कि पड़ोसी राज्य पंजाब में पराली प्रबंधन के लिए इंतजाम बेहतर नहीं रहे, इसलिए वहां पराली जलाने की घटनाएं अधिक हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए कई कारगर कदम उठाए हैं, इसके लिए राज्य के किसान भी बधाई के पात्र हैं। इस साल पराली जलाने की घटनाएं बहुत कम हुई हैं, इसमें किसानों की जागरूकता और सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। किसानों को पैसे देकर धान की खेती छुड़वाई जा रही है। पराली मैनेजमेंट के लिए भी पैसा दिया जा रहा है। खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे किसान तक।